विजयी साहब हमारे से मारपीट किए और ऊपर से 5-6 गांव का, डेसर डी का, दुल्लापुर का, और बहुत सारे लड़के जुटा लिए। हम वहां पे अकेले आए थे, हम तो इस मैटर में आए नहीं थे, इस मूड में आए नहीं थे कि झगड़ा करना है। जो कि गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर जिला के सिमरी से, जेई के दबंगई आइल सामने, पैसा दो नहीं तो टांग देव तहरा घर के ऊपर 11,000 के तार। जी हाँ, ऐसा मामला आए दिन बक्सर जिला में देखे के मिलत रहेला। ताजा मामला बक्सर जिला के सेमरी थाना के बड़का गांव के हटुए, जहाँ के कृपा शंकर मिश्रा अपन 1 साल पहले मकान बनवा के रहत रहन। इनका घर से लगभग 3 से 4 फीट के दूरी पर 11,000 के तार गुजरत रहे। इनका घर ब्याह शादी रहे। ई बेचारू मानव बल से संपर्क कैले तो मानव बल कहले कि कुछ माल लागी देव एकरा बाद उतार हटी। ई कहले कि हमारा बस के नहीं खे, जेकरा बाद जेई साहेब आइल बड़े जेकर नाम आलोक कुमार हो, आ इनका घरे के ऊपर 11,000 के तार धो दिले बड़े। उतारवा बीच में टूट गए रहे कहीं, एकरा बाद ओकरा के इनका घरवे के ऊपर 11,000 के तार धो दिहल बा। बताई भला कि 11,000 के तार जेकर नव निर्माण हो रहल मकान पधराई, ओकरा घर में लोग के हो बाछी जी। यही बात के विरोध जवन आवेदक बने, जिनकर पत्नी बिंदा देवी थाना में FIR दे कोइले बड़ी, इनका नाम से देले बड़ी, अभी FIR भइल बा कि नहीं के भइल ई जांच हो रहल बटुए। उ कहले बड़ी कि हमार मरद खाली अतने कहले कि 11,000 के जेई साहेब तरवा हटा दी, जेई साहेब अपना साथे बाउंसर लेके घूमता रे, 5-6 गो बाउंसर इनका साथे रहन, जेकरा बाद बिंदा देवी के पति के नाखून कबार दिहल गइल, आँखी पो फाइट से मार दिहल गइल, आ मरला के बाद कहिल कि तहार जिंदगी बर्बाद कर दे। ई बेचारे धावल धूपल थाना पो पहुँचले सेमरी थाना पो, थानेदार साहेब कहले जैसन कि इनकर कहनाम बा कि जा सरकारी कर्मचारी पो हम केस ना करब। अब ई बेचारे धावल धूपल DSP अफाक अख्तर अंसारी के यहाँ पहुँचले। अफाक अख्तर अंसारी हमेशा न्याय करीला, वहाँ के आदेश देनी थाना के कि जांच करो, अगर सही पावल जाता तो केस करो। इस सामने दृश्य दिख सकता कवना तरीका से घर के ऊपर 11,000 के तार लटका दिहल बा। जेई के दबंगई इतना बटुए कि अपना साथे 5-6 गो बाउंसर लेके चलो। तारे बयान सुनी है कि कोई कारणवश 11,000 का तार टूट गया, जो कि मेरे मकान से 3 फीट 2.5 फीट आगे था, क्योंकि मकान मेरा आज का बना नहीं है, साल भर हुआ मकान बने हुए, और 3 फीट आगे था। तो एक हमारे गांव के नगेंद्र मिश्रा हैं जो मानव बल में काम करते हैं बिजली विभाग में ही, तो हमसे आए और बोले तार टूटने के बाद अभी 3,000 रुपये दो और हम आपका तार 2-3 फीट और आगे करवा देंगे। हम सोचे बिजली विभाग में काम करते ही हैं, और उनको 3,000 रुपये हम दे दिए। हम कहें कि हम रहेंगे नहीं, हमारे लड़के का तबीयत खराब चलता है चूँकि, तो हम उनको दवा लेकर जा रहे थे दवा कराने के लिए। तो उसके बाद दो दिन बीतने के बाद वो बिजली विभाग उनको प्रेशर आया कि भाई 2 फेज चल रहा है 11,000 में, क्यों 1 फेज क्यों नहीं चल रहा है। तो हमारा नाम छुटमुट का बोल दिए कि ये ज़बरदस्ती रोके हैं तार। तो हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसा क्यों, हमको ऐसा कुछ बात नहीं है, हमको आप तार जोड़िए। तो उसके बाद मैं अपने मकान पर गया, मैं अपने मकान पर गया तो मेरी सास रहती थी मकान पर, तो उनके साथ जेई साहब अभद्र भाषा बोले, और मेरे सीधा साधा मतलब ससुर जी हैं वो भी उनको आप दरवाजा बोले। हम गए वहाँ पे, जाने के पश्चात तो जेई साहब मेरे मकान पे तार टांग चुके थे, वो भी मेरे मकान के ऊपर, क्योंकि उनके जो नगेंद्र मिश्रा हैं फ़ोन पे बोले हमसे, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए कि हम बाइक चला रहे थे, बोले कि जेई साहब 50,000 रुपये मांग रहे हैं, और 50,000 रुपये दोगे तो आपका तार 11,000 का जो है थोड़ा सा 10 फीट आगे चला जाएगा। भाई उतना पैसा बहुत बड़ा होता है, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम उतना दे नहीं पाए, और इसी गुस्से में और अपना पद का नजायज दुरुपयोग करते हुए जेई साहब हमारे से मारपीट किए और ऊपर से 5-6 गांव का, डेसर डी का, दुल्लापुर का, और बहुत सारे लड़के जुटा लिए। हम वहाँ पर अकेले आए थे, हम तो इस मैटर में आए नहीं थे, इस मूड में आए नहीं थे कि झगड़ा करना है, जो कि उस पश्चात तो हमारे साथ उल्टा वो झगड़ा किए। झगड़ा करने के बाद आखिर हमको भी कोई हमारा बात सुनेगा, देखेगा हमारा यहाँ चोट लग गया है,
देखिए जेई साहब के दौरान यहाँ चुप मेरा नाखून कबर गया है और मेरा ये पूरा जख्म लग गया था, अंदरूनी भी मारपीट हुआ है, वही हमको उल्टा मारे हैं क्योंकि हम अकेले वहाँ पे मस्जिद थे और एक औरत थी और जेई साहब के साथ करीबन 7 से 8 आदमी लोग थे। कहाँ पे कार्यरत थे ये? ये हमारे सिमरी में, जेई साहब ना जी सिमरी में ही है, जेई साहब प्रभार में है। क्या नाम है इनका? इनका आलोक कुमार नाम है और इनका भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। नगेंद्र मिश्रा और एक मुन्ना तिवारी हैं जो कोपावा के निवासी हैं जी, उनके माध्यम से वसूली बहुत ज़्यादा होता है। उनका वसूली का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अब बताइए हम कहने पर मजबूर है कि मीटर लगाने के लिए 500 रुपये लगता है, हाँ अप्लाई करने के लिए, और जाते हैं किसी घर में, गरीब के घर में, और मान लीजिए बिल बकाया करने के लिए मांगने के लिए उससे 10,000 रुपये लेकर बिल जमा नहीं करते, उनको दिखा देते हैं कि बिल जमा किए हैं। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, कुछ साक्ष्य भी आपके पास? हाँ हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है और मेरे मकान में तार चलने के ऊपर जाने के कारण, देखिए मोबाइल में अपने दिखा रहे हैं हम, कान मेरे मकान के ऊपर से तार जाने के कारण, मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये मेरे मकान के ऊपर से गया तार जिस दिन जेई साहब टांग कर गए, देख लीजिए सर इसको ध्यान से, यहाँ से एंगल थोड़ा सा ऐसे कर दिए मेरे मकान पर, पहले मेरा मकान से थोड़ा सा आगे था वो लाइट। वो तो ठीक है, आप भी कहीं इनके ऊपर मुकदमा किए हैं? हम इसके लिए लेकिन थाना प्रभारी हमारा कोई एक्शन नहीं लिए, और थाना पर गए थे आप आवेदन लेकर? हाँ हमारी सास गई थी। तो क्या कहा गया थाना पर? क्या कहा गया? कहे कि जाइए हम कोई सरकारी मतलब अधिकारी के खिलाफ हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। फिर हम DSP सर के पास गए थे, DSP सर फोन किए थाना पे कि जाइए इसका जांच करिए, लेकिन अभी तक मेरा जहां झगड़ा हुआ था यही साहब हमको मारे थे, मान लीजिए मारपीट होगा तो उनको भी चोट लगेगा ना, वो कहीं अपना चोट दिखाएं, हमारा चोट दिख रहा है। और DSP सर फोन किए थाना प्रभारी को, तब जाकर मेरा आवेदन लिया गया, वो भी थाना प्रभारी ने लिए, दूसरे कोई छोटा बाबू आवेदन लिए, आवेदन वहाँ पे जमा हो गया आपका? जमा हो गया है, रिसीविंग भी है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम पिंटू मिश्रा है। ग्राम? ग्राम बड़का गांव दखिन टोला। धन्यवाद।